वैसे तो हमारी पृथ्वी रहस्यों का खजाना है, लेकिन ये बहुत ही विचित्र और मजेदार भी है। हमारे पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी भी है जो कि बहुत खतरनाक और खूबसूरत भी है। इस रहस्यमय पृथ्वी पर एक तरफ लंबी चौड़ी नदियाँ, झरने, झील और खूबसूरत पहाड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ गहरी खाइयां है। एक तरफ सूखे रेगिस्तान तो दूसरी तरफ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हरे भरे जंगल है। धरती का यही करिश्मा इसे सुंदर बनाता है। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक अमेजन जंगल के बारे में बताएंगे। अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि धरती के दूसरे जंगलों से सबसे बड़ा और सुंदर जंगल है। इस जंगल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये जंगल देश होता तो ये सबसे बड़ा नौवां देश होता। ये जंगल 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय भी है। अमेजन को एक तरफ सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है तो वही दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो वही दूसरी तरफ इसके रहस्यमय किस्सों के लिए। ये जंगल इतना बड़ा है इसकी सीमाएं 9 देशों से होकर गुजरती है। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, पर उसके एक तिहाई जीव को एक साथ आप अमेजन में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब से ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें 16,000 तो उनकी प्रजातियां ही है। यही नहीं बल्कि यहाँ 400 से ज्यादा आदमखोर जनजातियां भी पाई जाती है, जिसमें से 50 से ज्यादा तो बाहरी दुनिया से मिलना भी पसंद नहीं करती। अमेजन जंगल को वर्षावनों का राजा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जंगल अकेला 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते ब्राजील में फैले इस रेन फॉरेस्ट को धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। ये अमेजन जंगल लगभग 40 मिलियन सालों से धरती पर मौजूद है। ये अपने प्राकृतिक ब्यूटी और हॉरर किस्सों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। इस जंगल में 70% प्लांट पेसिज मेडिकल पर्पज के लिए यूज होते हैं। अमेजन जंगल के एनवायरमेंट में 200 से ज्यादा पंछी और 25 लाख से ज्यादा कीड़ों की स्पेसिज पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ विचित्र और डरावने जीवों की प्रजातियां भी देखने को मिलती है। ये जंगल कितना गहरा, घना और विशाल होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के धरती पर सनलाइट का केवल 1% हिस्सा ही पहुँच पाता है। इस जंगल में कई भाग तो ऐसे हैं जहाँ पर आज भी इंसानों का पहुँचना बहुत मुश्किल है। साउथ अमेरिका के कई देशों से बहकर जाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम इसी जंगल के आधार पर रखा गया है। वैसे तो यहाँ साल भर बारिश होती रहती है, पर 2010 में यहाँ सूखा पड़ी थी, जो कि पिछले 100 साल में पड़ी सबसे बड़ी सूखा थी। इसका सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग। इसके चलते ही ये जंगल आज बहुत मुसीबत में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।